हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड टीजीटी का जो नया नियमावली है उसके बारे में। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस जो है इसी चैनल में हम खुद कम्प्लीट कराने वाले हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए भी कंटेंट जो है प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप अपना सिलेबस को मैच करके जो प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग आज का कंटेंट क्या है। आज हम लोग का है नियमावली को डिस्कस करना। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड सरकार नियमावली को जो है पब्लिश कर चुकी है। तो ये नियमावली एक्चुअली है किसके लिए, तो सबसे पहले आपको समझने की यही जरूरत है कि ये जो JSSC TGT नियमावली 2022 है जो पब्लिश, जो PDF आप देख पा रहे हैं, जो आपका मोबाइल में सबका मोबाइल में गया होगा, है ना, जो PDF देख पा रहे हैं, ये PDF जो है वो है किसके लिए एक्चुअली। तो ये दो लोगों के लिए, दो वर्ग के लोगों के लिए। सबसे पहला कौन कौन आएगा इसमें, जो TGT जो है, TGT टीचर, जो टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है, और जो प्रिंसिपल के लिए है उनके लिए, माने हाई स्कूल टीचर और हाई स्कूल प्रिंसिपल, इन दोनों वर्ग के लोगों के लिए ये नियमावली लागू होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट सिर्फ टीचर लोग के लिए लागू है, कुछ कुछ पॉइंट सिर्फ प्रिंसिपल लोग के लिए लागू है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि टीचर और प्रिंसिपल दोनों के लिए, माने जिसमें लिखा हुआ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब आपको समझा देते हैं कि नियमावली कहता क्या है। कि अभी तक हम खुद जो है नियमावली को देख रहे थे, तो अभी हम खुद YouTube में हम सर्च कर रहे थे कि कोई तो होगा जो आपका नियमावली को ढंग से समझा दिया होगा, क्योंकि नियमावली में जो बहुत होच पोच किया हुआ है और ढंग से एक बार में पढ़ने से समझ में आएगा नहीं, वो बहुत मतलब कि घुमा फिरा के लिखा हुआ है। और पुराना नियमावली जो है 2015 वाला, उसको लिंक करके लिखा हुआ है कि इसके जगह में ये, इसके जगह में ये, तो ये पुराना वाला पते नहीं है क्या, तो कहाँ से समझ में आएगा नया वाला, ठीक है। तो बहुत डिटेल से पढ़ने के बाद जो हमको समझ में आया वो आपको हम समझा देते हैं कि नियमावली कहता क्या है। और हम इसको वीडियो को बनाते भी नहीं, क्योंकि हमको खुद अपना सब्जेक्ट पढ़ाने से फुर्सत नहीं, हम अपना वाला को टाइम नहीं निकाल पा रहे, हम मैथ सब फिजिक्स के वाला का टाइम नहीं निकाल पा रहे। इसके लिए हम अलग से वीडियो टाइम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी तक YouTube में देखें कोई पढ़ा इसको समझाया हुआ नहीं है। अगर समझा देता तो हमको ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हम खुद देख रहे थे, कोई खाली एक दो जन कोशिश किया है तो देखें कि खाली उसको पढ़ के सुना दिया PDF को, तो ऐसा नहीं है। चलिए धीरे धीरे समझा देते हैं। इसमें मेन मुद्दा क्या है पता है, ये आपका TGT वाला नियमावली में मेन मुद्दा ये है कि एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। तो कौन कौन एलिजिबल है इसको हम यहाँ पे पॉइंट्स वाइज बना के लिख दिए हुए, और वो पॉइंट्स को हम समझाएंगे। यहाँ पे आपको हम PDF नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि सबके पास PDF ऑलरेडी है, जो वो आपका जो आया है झारखंड सरकार से, वो PDF आपको सबके पास होगा ही, तो उसको हमको दिखाने की क्या ज़रूरत है। और फिर भी नहीं है तो इसका जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो। तो चलिए धीरे धीरे समझा देते हैं। तो मामला तो यही है ना, कौन कौन एलिजिबल है, वही लोग जो एलिजिबल वही लोग फॉर्म को डालेंगे, बाकी सब कोई हवा हो जाएगा, नहीं भरेंगे फॉर्म को, है ना। तो इसमें 5 क्वेश्चन मेजरली आएगा, ये 5 क्वेश्चन को अगर आपको हम समझा दिए तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि मैट्रिक और इंटर कहाँ से पास किए और आप किस कैटेगरी से, ठीक है, ये जो मैट्रिक इंटर पास किए हैं कहाँ से किए हैं, प्लस आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल OBC SC ST क्या है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ग्रेजुएशन का तीनों साल में किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की है, और सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या है या कैसा है, वो सब के बारे में मामला है, ठीक है। तीसरा, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझा देते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। बहुत सारा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या हटा दिया कि है ये है, तो अभी धीरे धीरे समझा देते हैं, ठीक है। चौथा, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट मार्क्स आया है, और पाँचवा, PG किए हैं या नहीं, और अगर किए हैं तो किस सब्जेक्ट से और कितना परसेंट मार्क्स आया, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हमको लगता है अगर आपको समझा देंगे तो आपका मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। लेकिन ये जो 5 पॉइंट्स आपको समझाएंगे स्टूडेंट, ये ग्रेजुएशन प्लस BEd वाला स्टूडेंट के लिए लागू होगा जो अलग अलग से किए, मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया, मैंने BA BSc BCom जो भी किए होंगे, प्लस फिर 2 साल BEd किया, उनके लिए लागू होगा ये वाला। और जो ग्रेजुएशन प्लस BEd कंबाइंड किए हैं एक ही साथ, जो 4 साल का होता है, इसमें देखिए लिखे हैं 3 + 2 = 5 साल, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल BEd, 5 साल, ठीक है। और ग्रेजुएशन BEd एक कंबाइंड होता है, सब यूनिवर्सिटी में नहीं कराता, कहीं कहीं कराता है, तो जो 4 साल का होता है कंबाइंड वाला, उसके लिए दोनों के लिए सेम चीज़ लागू होगा।
और इसमें एक आ जाता है बीएड एमएड कंबाइंड वाला, उसके लिए लागू नहीं है, उसमें कुछ कुछ नियम अलग अलग है, वो आप खुद देख लेंगे। हम यही दोनों को क्यों पकड़े हुए हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है इसी दोनों में आ जाते हैं, है ना, तो इसी दोनों को इसीलिए पकड़े हैं। बीएड एमएड जो कंबाइंड वाला है वो देख लेंगे आप खुद से, ज़्यादा उसमें थोड़ा बहुत फर्क है उसको देख लेंगे। और इसमें एक जो एलिजिबिलिटी वाला है, वो जो ग्रेजुएशन है, इसमें क्या बीटेक वाला जो है वो फॉर्म को भर सकता है कि नहीं, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, हाँ यहीं पे लिख देते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीटेक वाला है ना, तो बीटेक वाला भी अप्लाई कर पाए कि नहीं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे धीरे 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 करके। यहाँ तो हम इस सबसे पागल ही लोग को समझते हैं इसमें अगर आना चाह रहा है तो। चलिए अब धीरे धीरे करके समझाते हैं आपको, ये आपको समझा दिए कि दोनों के लिए लागू होगा, ग्रेजुएशन बीएड और ग्रेजुएशन बीएड अलग अलग और एक साथ, है ना, चार साल और पाँच साल दोनों का, ये तो आपको मामला पता होगा। तो जनरली आपको यही फर्स्ट वाला जो है सेक्शन आता है ना, तो चलिए देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक और इंटर कहाँ से पास किए हैं और अब किस कैटेगरी से हैं, तो चलिए आपको समझाते हैं। अगर जो पहला पॉइंट है कि अगर आप मैट्रिक और इंटर, ये वाला बात आपको सबको मालूम होगा, हमको मालूम है, अगर आपको मैट्रिक और इंटर दोनों मैंने मैट्रिकुलेशन में दसवीं और बारहवीं, अगर आप झारखंड राज्य में अवस्थित कोई भी स्कूल कॉलेज से, मैंने झारखंड राज्य में वो वाला स्कूल और वाला कॉलेज होना चाहिए, अगर वहीं से पास किए हैं तब आप एलिजिबल हैं। लेकिन कब, जब आप जनरल कैटेगरी के हैं तब, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं मैंने यू आर हैं, या तो आप ई डब्ल्यू एस हैं, ठीक है, या तो यू आर कैटेगरी है या तो ई डब्ल्यू एस है, मतलब जनरल वाले हैं, तो अगर झारखंड राज्य का कोई भी स्कूल या कॉलेज में दसवीं और बारहवीं पास किए हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, माने मैट्रिक भी झारखंड से होना चाहिए और इंटर भी झारखंड से होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन और इंटर दोनों का दोनों कहाँ से होना चाहिए, झारखंड से पास होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, तो जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट के लिए, ना ही ओबीसी एससी एसटी के लिए, अब ओबीसी एससी एसटी के लिए भी समझा देंगे, और मैट्रिक इंटर दोनों जो है झारखंड से पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बच्चा का और है कि सर हम मैट्रिक तो झारखंड से पास किए हैं लेकिन मैट्रिक पास करके चल गए कोटा आईआईटी और मेडिकल का तैयारी करने के लिए, वहीं जाके हम इंटरमीडिएट में एडमिशन करा ली, तो क्या हम एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों का दोनों आपको झारखंड से ही पास होना मांगता है तभी आप जो है एलिजिबल है जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट के लिए। अब आ जाते हैं हम रिजर्व वाला के लिए, माने अगर बीसी वन है बीसी टू है, ये आपका जो है केंद्र सरकार में ये दोनों को मिला के ओबीसी कहलाता है, और झारखंड सरकार में ओबीसी बोल के कुछ नहीं होता, बीसी वन बीसी टू बैकवर्ड क्लास वन, जो इसको ईबीसी बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और एक बीसी टू, ठीक है, इसको ईबीसी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ईबीसी और बीसी टू वाले, या तो फिर एससी और एसटी वाला, ये सब वाला जितना रिजर्व वाला कैटेगरी है, तो ये लोग जो है, और भी अगर कुछ रिजर्वेशन में आ जाता है तो वो लोग के लिए भी लागू हो, मतलब जनरली तो ये बीसी वन बीसी टू एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन वाला कैटेगरी के लिए। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है वो किस राज्य का रिजर्वेशन होना चाहिए, सबसे पहला बात कि अगर बोले, अब सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन ये उठे सर हम हैं बिहार के, ठीक है, हम हैं बिहार के और हम बिहार में ओबीसी हैं, चाहे बिहार में एससी है चाहे बिहार में एसटी है, तो क्या झारखंड में हम ये वाला एग्जाम को भर सकते हैं, तो नहीं भर सकते, ठीक है, आपको झारखंड राज्य का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी वाला जो है ना, झारखंड राज्य का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड का एससी एसटी ओबीसी माने ये जो सर्टिफिकेट आता है आपका, जैसे हम कहा एक बी सी वन और बी सी टू जो आता है, उसमें जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है बी सी वन या बी सी टू के लिए, ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है जिसमें जे कोड देखिए अभी बताते हैं जे एच एन बी सी रहता है ना, समथिंग समथिंग है ना, तो ये कोड वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए झारखंड सरकार का, तब जो है बी सी वन बी सी टू से अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन फिर अगर आप मैट्रिक इंटर कहीं से भी पास किए हैं कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो एक कंडीशन आपका ले लेते हैं, चलिए समझा देते हैं एक कंडीशन कि अगर आप बी सी वन है, ठीक है, एक एग्जांपल लेके बी सी वन है, ठीक है, अगर आप बी सी वन में आते हैं और अगर मैट्रिक आप मान लीजिए दिल्ली से पास किए हैं और इंटर आप मान लीजिए एमपी से पास किए हैं,
तो क्या आप झारखंड का ये वाला फॉर्म को भर सकते हैं? JSSC TGD को तो हाँ भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो BC1 है वो आप झारखंड में होना चाहिए, झारखंड सरकार का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कौन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए? जिसमें कोड आपका क्या रहता है, JHNBC, ठीक है, ना ही कि JHCBC। एक JHCBC होता है वो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर मायने नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ऊपर में लिखा रहता है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड फॉर द कैंडिडेट ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये लिखा रहता है, फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये चीज़ लिखा रहता है। ये NBC कोड देखिएगा, CBC वाला है तो मान्य नहीं होगा, NBC वाला बना लीजिए, नॉन क्रीमी लेयर बना लीजिए। नॉन क्रीमी लेयर तभी बनेगा जब आपका जो एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम 800,000 से कम है, तब बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखिए कि एक एग्जाम्पल, मैंने मैट्रिक इंटर कहीं से भी पास किए हैं, अगर BC1 है, BC2 है, SC है, ST है, और अगर अगर आपके पास झारखंड सरकार वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मामला समझ में आ गया आपका कि मैट्रिक इंटर जो है जनरल वाला के लिए, भाई यहाँ पे दिक्कत है कि जनरल वाला के लिए जो है URR EWS के लिए झारखंड से ही पास होना मांगता है, बाहर से पास किए नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर BC1, BC2, SC, ST, OBC है, कहीं से भी पास किए लेकिन झारखंड का OBC, SC, ST है, तो फिर भर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी बता दिया आपको, ये वाला होना चाहिए, इस कोड का होना चाहिए, तभी भर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन देखिएगा आप ही लोग के लिए है, हम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चा लोग का। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, और ये आपको बता दिए, इसको हम मिटा देते हैं कि BSc BEd वाला, मैंने ग्रेजुएशन BEd वाला के लिए समझा दे रहे हैं, ठीक है। जो कंबाइंड MEd BEd किए हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बाकी लगभग लगभग पॉइंट सिमिलर है। वही जो मार्क्स वाला जो है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आए वही वाला थोड़ा बहुत अलग है ना, बाकी सब सेम है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं, और ये वाला पॉइंट आपको लगभग लगभग आता होगा, ठीक है, इसको हमको और बताने की जरूरत नहीं। और ग्रेजुएशन, दूसरा पॉइंट, ग्रेजुएशन में तीनों साल में किस सब्जेक्ट में पढ़ाई किए हैं और सब्सिडी सब्जेक्ट क्या, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम मैथ ऑनर्स है, ठीक है, मानिंग का है मैथ ऑनर्स, ऑनर्स बोले चाहे कोर बोले, अगर आप CBCS पैटर्न में है सेमेस्टर वाइज वाला में तो कोर लिखता है, अगर आप ईयरली वाइज वाला में तो ऑनर्स लिखता है, ठीक है, बात बराबर है ना। मान लीजिए मैथ ऑनर्स वाले हैं, तो मैथ ऑनर्स वाले हैं तो तीनों साल में मैथ रहा होगा, सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या तो फिर छो सेमेस्टर में मैथ्स रहा होगा, बोले हाँ सर मैथ्स रहा होगा। और ग्रेजुएशन में जो है आपका जो है तीनों साल में सबसे पहले जो है मैथ्स रहना चाहिए, अगर आप मैथ्स फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हैं, अभी कॉम्बिनेशन वाला भी आएगा, मान लीजिए मैथ्स से अप्लाई कर रहे हैं या फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो मैथ्स पेपर है ये आपका तीनों साल में होना चाहिए, अगर नहीं है एको साल तो फिर आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप मैथ्स फिजिक्स वाला भर रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स जो एक साथ रहता है, कंबाइंड रहता है, मैथ्स एंड फिजिक्स वाला भर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या क्या आपका हो सकता है, आप मैथ ऑनर्स है तो आपका मैथ्स के साथ फिजिक्स भी रह सकता है, केमिस्ट्री भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है आपका, लेकिन मैथ ऑनर्स है तो तीनों का तीनों साल में मैथ्स होगा, बोले हाँ सर तीनों का तीनों साल में मैथ्स होगा। तो अगर तीनों का तीनों साल में मैथ्स है तो आप तो भर ही सकते हैं अपना ऑनर्स सब्जेक्ट में, मैंने कोर सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बोलेंगे सर हम अगर क्या बोलते हैं फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स ऑनर्स भी तो है तो तीनों साल फिजिक्स होगा ही, ऑनर्स है मतलब क्या कि तीनों का तीनों साल में वो चीज़ होना ही है, ठीक है। ऑनर्स का मतलब वही होता है, कोर का मतलब वही होता है कि तीनों का तीनों साल में है, तब तो आप भर ही सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब अभी आप दिमाग में ये आएगा सर मेरा जो है एक साल केमिस्ट्री भी था, है ना, एक साल केमिस्ट्री भी था इसके साथ साथ, मैंने मैथ्स ऑनर्स है, मान लीजिए मैथ ऑनर्स है और साथ साथ एक साल खाली केमिस्ट्री था सर, तो क्या हम केमिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप केमिस्ट्री से अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने सब्सिडरी सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑनर्स से तो कर सकते हैं लेकिन सब्सिडियरी सब्जेक्ट से नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये तीनों साल नहीं रहता है, ठीक है, यही तो बात है कि ग्रेजुएशन के तीनों साल में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, ठीक है। तो ऑनर्स और कोर पेपर में आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपका, चलिए ये वाला बात खत्म। और आगे आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अभी सबसे ज़्यादा हल्ला बच्चा लोग क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, सर क्या हटा दिया है क्या? तो बाबू मेरे नहीं हटाया है,
ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी आप पूरा नियमावली खोजिएगा तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा सब्जेक्ट नया वाला नियमावली में। तो अगर सब आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज इट इज जैसा था पहले वैसे के वैसे वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, माने मैथ्स और फिजिक्स एक साथ है तो एक साथ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ है तो एक साथ है, कोई चेंजिंग नहीं, इस तरह जितना भी कॉम्बिनेशन है वो अपना अपना एक साथ है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, शुरू से नहीं है, अभी भी नहीं है, है ना, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन नहीं हटा है, ठीक है। मैंने अगर आप मैथ ऑनर्स हैं तो आप यदि मैथ ऑनर्स हैं तो फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैंने 75 क्वेश्चन मैथ्स का 75 क्वेश्चन फिजिक्स रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। फिजिक्स ऑनर्स है फिर भी मैथ्स फिजिक्स रहेगा, मामला समझ में आया, कॉम्बिनेशन नहीं हटा। अभी आप पूछिएगा सर नियमावली में कुछ लिख भी नहीं किया उसके बारे में, तो अगर आपको यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो पुराना है वही वाला माना जाएगा ना, बोला हाँ सर माना तो जाएगा, यही ना होता नियम कि यहाँ बोले कि हम दो और दो चार होता है। चल छोड़िए, पहले जो है एक आपको केमिस्ट्री का आइडिया बताते हैं। सबसे पहले जो है 9-10 में पढ़े होंगे कि थॉम्सन मॉडल आया था इलेक्ट्रॉन का, जो एटम का है ना, एटम्स थॉम्सन मॉडल आया था, ठीक है, बाद में जाके ना ढेर ओच पोच करके बोर का मॉडल आया है ना, बाद में नहीं आया। तो जब तक ये नहीं आया था इसके पहले जितना रदरफोर्ड मॉडल थॉम्सन मॉडल यही सबको सही माना जा रहा था। तो अभी भी तो यही कॉमन सेंस का बात है कि अगर उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में नियमावली में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हटाया नहीं गया, ठीक है। चलिए बचा कन्फ्यूजन का हो रहा, वही जो लिख दिया कि 3 साल जो है आपका वो होना चाहिए ऑनर्स पे, जो आपका 3 साल जो सब्जेक्ट का पढ़ाई होना चाहिए, तो वही लग रहा कि यार 3 साल वो लिख दिया मतलब का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटा दिया। अरे भाई नहीं हटाया, बोला कि 3 साल आपका पेपर होना चाहिए, मैंने सब्सिडरी से नहीं भर सकते ये कहा है, बाकी ये थोड़ी बोला कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम हटा दिए हैं, सो ठीक है, ये सब क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये है, 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, बीटेक वाला फॉर्म भर सकता है कि नहीं, सबसे बकवाइन यही लोग है, ठीक है, काहे बोकाहे भी समझा देते हैं। पहले तो ये बीटेक किया 5-10 लाख दे के, ठीक है, इधर कुछ नहीं हुआ तो क्या किया सर हम बीटेक किए हैं, अब चलिए बीएड कर लेते हैं, ये लोगों को तो पहले बीएड नहीं करने देना चाहिए, लेकिन क्या बताएं कुछ कॉलेज वाला जो है पैसा कमाने के लिए बीएड करने दे दिया ये लोग को, है ना, ये लोग तो अलावे नहीं होना चाहिए बीएड करने के लिए, तो लेकिन क्या कहीं कहीं कर देता है, ठीक है, तो बीएड कर लिया बीटेक वाला, लेकिन इसके लिए भी तो वही नियम लागू है कि 3 साल, और ये तो साला 4 साल रहा है अपना ग्रेजुएशन में, मैंने इसका 4 साल, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करेगा वो सब्जेक्ट इसको पढ़ना होना चाहिए। इलो का रहा था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये वो फिजिक्स कंप्यूटर साइंस सीएससी ईसीई लम ढेर होता है है ना, तो इसमें ये सब जो इसका ब्रांच पेपर है इसमें आपका टीजीटी पीजीटी वाला कहाँ एको पेपर है बताइए, है ये नहीं है। तो ये लोग जब पढ़वे नहीं किया रहता है, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल लीजिए इलेक्ट्रिकल लीजिए कुछ हो लीजिए, आपको 1 साल मैथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है 1-2 साल लगभग पढ़ना पड़ता है, 1 साल है ना, 2 सेमेस्टर लगभग पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो पूरे बोला कि जब तक पढ़ें तब तक होना चाहिए आपका जो है आपका जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए मैथ से अप्लाई करने खोजेगा तो मैथ तो इसका 1 साल था 2 सेमेस्टर था, इसका होना चाहिए कैसे 4 साल पढ़ना होना चाहिए, है ये नहीं, ब्रांच पेपर पढ़ा अपना आगे जाके तो कहाँ से अप्लाई करेगा, ये तो खारिज हो गया, मैंने बीटेक वाला अप्लाई नहीं कर सकता, बीटेक और बीई वाला भी नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों लगभग सेम होता है लेकिन थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस मतलब थोड़ा माइनर डिफरेंस है, तो समझ लीजिए जो बीई है या बीटेक है वो अगर बीएड कर लिए हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है झारखंड सरकार वो सब पेपर नहीं पढ़ाता 9वां 10वां में, थोड़ी ना इंजीनियरिंग पढ़ाएगा यार मैकेनिकल पढ़ाएगा 9वां 10वां में, वो सब पेपर नहीं है तो नहीं है तो बस नहीं अप्लाई कर सकते। बीटेक वाला क्लियर हो गया नहीं भरेंगे, काहेले झूठ मूठ का आप लोग बीएड किए थे, बीटेक की उधर ध्यान लगाइए, ठीक है, करना ही नहीं चाहिए था, गलत डिसीजन है। चलिए ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स आए यहाँ सबसे बड़ा बात है, उतना तो लागू होवे करेगा, साथ साथ में ये भी होना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए हम ही है मैथ ऑनर्स है हमारा, ठीक है, हमारा मान लीजिए कितना 80% मार्क्स आया, ठीक है,
80% मार्क्स आया चाहे जो CGPA आया उसको कन्वर्ट करके अपना परसेंटेज में करना, ठीक है। जैसा भी आया माने 80% या उसका इक्विवेलेंट आया मान लीजिए, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो आपका यूजी वाला ग्रेजुएशन वाला हुआ, पीजी और ग्रेजुएशन एक साथ है ना। अगर आप ग्रेजुएशन में, अब हटाइए 80% मार्क्स को, ग्रेजुएशन में 50% या इससे अधिक नंबर लाए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% या इससे ऊपर नंबर लाए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एकदम बिल्कुल करेंगे अप्लाई, है ना। लेकिन अगर आपका 50% से कम नंबर है, 50% से नंबर कम है ग्रेजुएशन में, तो फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो इस केस में आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आप पीजी किए हैं उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, और पीजी में 50% या उससे अधिक नंबर है। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं, कंडीशन ले लेके समझा देते हैं अगर दिक्कत है तो। चलिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो कंडीशन एक यही है कि अगर ग्रेजुएशन में 50% से अधिक नंबर, ये ऊपर वाला है ना, 50% या उससे ज़्यादा नंबर है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, और ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स है और पीजी में भी 50% मार्क्स है उससे अधिक है, फिर भी अप्लाई करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है, है ना। पीजी किए ना किए फिर भी अप्लाई कर ही सकते हैं, खाली ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ऊपर है तो, या 50% है। तीसरा, अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है, 48 है, 43 है, 45 है, मैंने उससे कम नंबर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप पीजी नहीं किए तो, मान लीजिए पीजी नहीं किए तो नॉट एप्लीकेबल में चल जाएंगे, ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते। चौथा, अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है मान के चलिए, और साथ साथ पीजी किए हैं, लेकिन पीजी उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। कभी कभी बच्चा मैथ से ग्रेजुएशन कर लेता है और हिस्ट्री में पीजी करता है, ठीक है, तो फिर यहाँ लागू नहीं होगा भाई, बता देते हैं। मान लीजिए मैथ होना से तो पीजी जो है मैथ सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम सब्जेक्ट का जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और इसमें अगर 50% मार्क्स है या इससे अधिक है, मैंने मान लीजिए ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स है और 50% मार्क्स नहीं है, उससे कम है, और पीजी कर लिए फिर मैथ से, और उसमें अगर 50% से उससे अधिक हो गया तो फिर आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, फिर भर सकते हैं, फिर एकदम दनादन भरिए। और पता चला कि दोनों में 50% से कम है तो फिर नहीं भर सकते। मैंने 50% मार्क्स का मामला समझ में आ गया, ग्रेजुएशन में 50% है तो पीजी से कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो पीजी उसी सब्जेक्ट से अगर किए हैं जिसमें ग्रेजुएशन किए हैं, मैंने जिसमें अप्लाई करेंगे TGT, और उसमें अगर 50% या उससे अधिक है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर दोनों किए हैं लेकिन दोनों में 50 से कम है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। ये मामला क्लियर हो गया होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं अब हम। ये तो हो गया ना, कितने परसेंट मार्क्स है और पीजी किए हैं या नहीं, और किस सब्जेक्ट से किए हैं, और अगर कितने परसेंट मार्क्स, क्लियर हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, है ना। मैंने डी और ई एक साथ आपको समझा दिए, कुछ नहीं है इसमें। अभी आप वो जो नोटिफिकेशन दिया है नियमावली का उसको पढ़िएगा ना, तो मूड़ी धुनिया खाली पागल हो जाइएगा। बहुत ध्यान से पढ़ने से और बहुत दिमाग लगाने के बाद जो है आदमी को समझ में आएगा वो चीज़, इसीलिए हम एक वीडियो बना दिए। हम ऐसे बनाते नहीं, आपको बताए ना, कोई बनाया नहीं था इसीलिए हम बना दिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये चीज़। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और होगा बच्चा लोग को, क्या लिखा हुआ जानते हैं नोटिफिकेशन में? ऐसे लिखा हुआ है कि स्नातक, और ब्रैकेट करके लिख दिया है कि स्नातक के तीनों वर्षों में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें अप्लाई करेगा, अथवा स्नातकोत्तर में 50% या उससे अधिक अंक होना चाहिए। तो बच्चा को क्या लगता है, ऐसे लिखा है स्नातक, और ये ब्रैकेट करके लंबा छोड़ने में 3 साल वाला, 3 इयर्स वाला मामला, 3 इयर्स में सेम सब्जेक्ट, और अथवा स्नातकोत्तर में 50% प्लस ये उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा को क्या लग रहा है यहाँ कि स्नातक के लिए ये चीज़ तो लिखा है वो तो ठीक है, और जो 50% या उससे अधिक लिखा है वो पीजी के लिए लिखा है,
कि पीजी के लिए नहीं दोनों के लिए लिखा है, स्नातक और अथवा लिखा है, या तो इसमें 50% या इससे अधिक होना चाहिए या तो इसमें 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक में 50% से अधिक होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूजी में नहीं है तो पीजी में होना चाहिए, और पीजी में नहीं है तो उसे मतलब है नहीं यूजी में होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा कि ये जो 50% उससे अधिक लिखा है, जो बोल्ड करके लिखा है करिया करिया करके, ठीक है, वही दोनों के लिए बोला है। ठीक है, अथवा मतलब अथवा के साथ इसको मत छुछे, इसका मत जोड़ दीजिएगा, दोनों के लिए ही चीज। ठीक है, वो पढ़ने में थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आपको ये समझा दिए, है ना। बाकी यही सब मामला है, और क्या मामला, और इसमें कुछ कन्फ्यूजन का बात ही नहीं। सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चा को लग रहा था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि है ही है, नहीं हटाया है, और ब्लंडर क्या लग रहा था, वही 50% मार्क्स वाला था, वो बता दिए। और सब बच्चा किसी को दिक्कत होता है, कैटेगरी में है लेकिन जो है मतलब वो बोलता है कि यार मैट्रिक इंटर जो बाहर से पास किए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे ना। हाँ, तो कर सकते हैं कैटेगरी वाले, लेकिन कैटेगरी जो है झारखंड वाले होना चाहिए, और आपका वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर से लिख देते हैं, देखिए ये चीज़ लिखा रहता है, BC1 और 2 है तो, है ना, और SC ST वाला हम देखे नहीं कैसा है, लेकिन देख लीजिएगा, झारखंड वाला ही होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय, मान लीजिए BC1 का है तो लिखता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, है ना, फॉर अपॉइंटमेंट और एडमिशन, है ना, एडमिशन टू द पोस्ट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये चीज़ तो बताना चाह रहे थे। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और सर्टिफिकेट का कोड कैसे शुरू होता है, इस तरह से JH NBC, मान लीजिए 2021 का, 2021 हो जो भी नंबर रहता है यहाँ पे लंबा चौड़ा। ठीक है, तो इस तरह कोड, एक कोड आता आपका ये वाला, है ना, JH CBC, तो ये वाला जो है मायने नहीं होगा, भगा देगा आपको। ठीक है, हो सकता है एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर देगा अगर इससे भरिएगा तो। दूसरा बना लीजिए नॉन क्रीमी लेयर वाला, ठीक, यही वाला लागू होगा अगर आप BC1 या BC2 हैं तो। और SC ST के लिए क्रीमी नॉन क्रीमी तो कुछ होता ही नहीं है, एक ही वो सर्टिफिकेट ही आता है। और यहाँ पे कुछ और बता देते हैं चीज़, कि अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, आपको बताएं कि OBC वर्ड झारखंड में यूज नहीं किया जाता है, झारखंड में BC1 और BC2 रहता है। ठीक है, OBC केंद्र सरकार का मामला है। ठीक है, तो जो अगर वो सर्टिफिकेट है, तो अगर OBC सर्टिफिकेट है तो क्या लिखा रहता है, सब कुछ यही चीज़ मेन यही मामला लिखा रहता है, लास्ट में लिखा रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, आपका अगर आपका OBC सर्टिफिकेट है भारत सरकार वाला, जो DC या SDO या ब्लॉक से भी बनाए हैं, ठीक है, वो भी इशू कर देता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो कि ये OBC है, ठीक है, जिसमें लिखा लगेगा अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, वो नहीं बनाना है आपको, है ना, वो भारत सरकार, जैसे आप रेलवे SSC ये सब फॉर्म भरते हो उसके लिए वाला चलता है, और झारखंड सरकार के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ये वाला चलता है BC1 का, या BC2 का रहेगा तो यहाँ एक्सट्रीमली हटा देगा, खाली कास्ट सर्टिफिकेट लिखा रहता है, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो भारत सरकार वाला कागज नहीं दीजिएगा झारखंड सरकार को, लेवे नहीं करेगा। बाकी मामला आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, जो 2022 का नियमावली है थोड़ा बहुत संशोधन किया है 15 वाला में, और जो है सेम टू सेम है, जो थोड़ा बहुत क्या लगभग मेजर डिफरेंस है, है ना। और एक इसमें जो है प्रिंसिपल वाला के लिए भी है, लेकिन प्रिंसिपल वाला के लिए आपको नहीं बताएं, टीचर वाला के लिए बताएं। ठीक है, जो प्रिंसिपल वाला के लिए भी इसी नियमावली में नियम कानून लिखा हुआ है, उसके लिए आपको नहीं बताएं, आपको हम सिर्फ टीचर वाला के लिए बताएं, प्रिंसिपल वाला के लिए अलग नियम कानून है। ठीक है, उसमें जो है आपका उसमें पेपर 1 पेपर 2 मिला के मेरिट बनेगा, ये सब मामला उसमें है, तो वो सब हम नहीं बताएं, है ना। और बाकी जितना भी डिस्टर्बेंस है दिमाग में कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका आंसर हम देंगे कमेंट में। ठीक है, और कुछ अगर छोटा बहुत छूट रहा होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगा तो क्लियर हो जाएगा, उसमें सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको नियमावली ढंग से समझ में आया होगा, और हम ढंग से समझाने
का कोशिश भी किए, नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत तो बताएं, कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपका जो है क्लास रेगुलर चलते रहेगा, जो आप मैथ्स का भी चल रहा है, फिजिक्स का भी शुरू होगा, मैथ्स का भी फिलहाल चल ही रहा है, तो आप पढ़ते रहें स्टूडेंट। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमको व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें, जो नीचे नंबर आ रहा है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।